पैकिंग शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, हम एरिजोना से मूव कर रहे हैं। और ये अपार्टमेंट एक्चुअली बहुत पुराने हैं, सेटिंग में चेंज करती रहती हूँ। अभी हम किचन के बाद आए हैं बेडरूम सेक्शन में। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। Hey everybody, Parul this side. I hope you all are doing well and keeping safe. आप सबको मेरी नमस्ते। हम एरिजोना से मूव कर रहे हैं और कैंसर सिटी जा रहे हैं। सो अपनी ये जो मेमोरीज है इस अपार्टमेंट में, बहुत ही क्रेजीनेस है। यूजुअली लोग अपार्टमेंट में इतना टाइम नहीं रहते। इस अपार्टमेंट में हम ऑलमोस्ट 6.5 ईयर्स रहे हैं। सो ये अपार्टमेंट अब घर जैसा लगता है। पैकिंग शुरू हुई है थोड़ी थोड़ी, कुछ चीज़ें जा रही हैं, तो मैंने सोचा इससे पहले कि मैं कुछ फर्नीचर आपको सेल कर दूँ या फिर कुछ डोनेशन में चीज़ें चली जाएँ, तो जो भी घर लिविंग रूम है उसका मैं टूर करवा देती हूँ आपको। मेरा लिविंग रूम बहुत ही सिंपल सा है, बट छोटा सा है, पर मैं आपको इसका एक क्विक सा टूर जल्दी से दे देती हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। This is Himalayan salt lamp. This was given by Diamond and Rui, our friend from China. And Vish once printed these pictures and surprised me with these pictures. That's me. Hello. कारपेट रहता था, अब वो रिमूव करवा दिया हमने। और उसके बाद मैंने कारपेट्स भी लिए हैं, वो लगाती थी, बट वो भी अब मुझे मन करता है कि उसको भी हटा के कभी नीचे बैठ के खाना खाने का मूड है, या फिर आई डू योगा, तो मैं यहाँ पे स्पेशियस खाली खाली रखती हूँ लिविंग रूम को, और मुझे अच्छा भी लगता है। दिस इज़ माई बालकनी। और ये पेड़ मुझे बहुत ही पसंद है, सुबह उठते ही मेरे को यहाँ पर आके इस पेड़ के दर्शन करने बहुत अच्छे लगते हैं। वहाँ बाहर रोड है। थोड़ा सा लिविंग रूम का टूर देने के बाद मैंने सोचा आपको क्विक सा किचन का भी टूर दे देती हूँ। एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग मूव कर रहे हैं, तो काफी क्लीनिंग भी चल रही है, साथ साथ में पैकिंग भी चल रही है। और थोड़ा सा आपको अगर ज़्यादा क्लीन लग रहा है तो इतना क्लीन यूजली रहता नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो काफ़ी स्पेशियस है। अगर कोई यहाँ काम कर रहा है तो आराम से वहाँ कर सकता है। आई डोंट नो कैमरा में कैसे दिख रहा होगा, बट हाँ ये लाइक दो लोग तो आराम से काम कर सकते हैं। दीज कोट्स आई लव यू, ये वहाँ पर था बट अभी हमने रिमूव कर दिया हुआ है। और यहाँ पर मेरे चाय का थोड़ा सामान है। किचन के स्पाइसेस मुझे सामने रखने अच्छे लगते हैं। कुछ चीज़ें ऊपर हैं दालें वाले हैं डॉल, बट ये मुझे स्पाइसेस सामने रखनी अच्छी लगती हैं, कुछ चाय के लिए यूज़ करने के लिए और कुछ खड़े मसाले यूज़ करने के लिए, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। नीचे डस्ट वॉशर है। और ये अपार्टमेंट एक्चुअली बहुत पुराने हैं, लाइक बहुत पुराने, बट इन लोगों की मेंटेनेंस बहुत अच्छी है, तो हमें कभी फील नहीं होता है। बिकॉज कैबिनेट्स एंड ऑल यू कैन सी कि काफ़ी पुराने स्टाइल के हैं, बट इनकी मेंटेनेंस बहुत अच्छी है। तो आपको कुछ भी चेंज करवाना है और आपको कुछ भी लगता है कि ख़राब हो रहा है और बिकॉज ओल्ड है, तो फिर आराम से ये लोग चेंज कर देते हैं, तो उसकी वजह से वी वर गुड हियर। ये है रेफ्रिजरेटर जो अपार्टमेंट वालों की तरफ से मिला है, डेजर्ट फार्म की तरफ से, और थोड़े से सोविनियर है। ये है हमारा छोटू सा डाइनिंग एरिया, और ये चेयर एंड टेबल हमने आइकिया से लिए थे कुछ साल पहले, हमने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया एक्चुअली। और यहाँ थोड़ा सा डेकोर है, वहाँ पे हमारे भगवान जी का छोटू सा एरिया है। सेटिंग में चेंज करती रहती हूँ, मेरी थैंक्स गिविंग वीडियो में भी देखा होगा, तो तब उसकी सेटिंग कुछ दूसरी साइड थी। एक्चुअली यहाँ पे बिग डाइनिंग टेबल भी आ जाता है,
So, अभी हम किचन के बाद आए हैं बेडरूम सेक्शन में. बेडरूम मैंने आपको पहले भी अपार्टमेंट टूर में दिखाया था, ऑलमोस्ट वैसा ही है. थोड़ा सा इसको हमने अपने तरीके से सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे मैंने लगाई है कुछ पिक्चर्स. और ये है क्लॉजेट, काफ़ी बड़ा सा, जहाँ पे बहुत सारा सामान आ जाता है. कर्टन्स की आज ज़रूरत नहीं होती है, बट यहाँ पर बहुत ही सन शार्प आता है, सो इसलिए कर्टन हमें लगाने पड़ते हैं. अदरवाइज यहाँ पे विंडो ब्लाइंड्स हैं. सो ये हमारा एयर प्योरीफायर है, जरूरत की है, कुछ खास अच्छी नहीं है तो प्योरीफायर बहुत ज़रूरी है. यहाँ पे अगेन थोड़ा सा स्टोरेज क्लोथ्स एंड कुछ सामान के लिए. इस कमरे में सबसे अच्छा मेरा फेवरेट चीज़ है ये इसको डार्क को, और आपको क्वालिटी थोड़ी देर बैठना है तो सब मन मिलता है इससे. यहाँ पे अभी क्वीन बेड लगा है, पर क्वीन बेड भी आराम से आ जाता है. सो काफ़ी जगह है, यहाँ पे अपना कुछ टेबल सेटअप भी कर सकते हो. बेडरूम से निकलने के बाद बाहर एक छोटा सा मिरर लगा रखा है हमने, और वीडियो शूट करने से पहले अपने आप को देख लिया जाए कि कैसे लग रहे हैं. ठीक ही है, मेरी पोदी थोड़ी नीचे हो गई है. और उसके अलावा ये है बाथरूम, और वो दिखाना फिर बनता नहीं है. अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का टूर में आपको उसका लिंक, अगर आपने नहीं चेक किया है सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना. और या वो बेसिकली सेम ही है जैसे मैंने वहाँ दिखाया था, बाथटब है. और यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये है मेडिसिन कैबिनेट जो कि मैंने अपना सामान से भरे हुए. और ये सिंपल सा है पर काफ़ी अच्छा है. तो और दोनों साइड यहाँ पे क्लॉजेट है. सो ये यहाँ पे मिरर लगा है, बट ये क्लॉजेट है, आप बहुत सारा सामान रख सकते हो. उस साइड भी क्लॉजेट है. सो बेसिकली इतना सा ही है. और इसके अलावा बालकनी है बाहर की साइड, स्टोरेज है, और लिविंग एरिया में भी काफ़ी स्टोरेज है. सो दिस इज़ प्रीटी मच इट. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, और बहुत ही मैंने जल्दी जल्दी में बनाई है बिकॉज हम लोग यहाँ से मूव कर रहे हैं. अब तो मुझे श्योर भी नहीं है कि मैं इस वीडियो को कभी अपलोड भी करूँगी, बट मैंने सोचा अपनी मेमोरीज़ के लिए भी, और ऐसे ही डॉक्यूमेंट कर लेती है इसको, अगर मेरा कभी मन किया तो शायद मैं अपलोड भी कर दूँगी. सो थैंक यू सो मच, अगर मैंने अपलोड की है और आप देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. और मैं जल्दी ही मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ. अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, और कमेंट करके भी मुझे बताना वीडियो का कौन सा इस घर में कौन सा हिस्सा आपको सबसे अच्छा लगा. चैनल पे नहीं हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. आई विल सी यू लेटर, बाय बाय.